हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास कोच दिखाने वाली हूँ। आपको दिखाऊंगी कि ये कोच कैसा होता है और इनमें क्या अंतर होता है। मैं चारों कोच का जर्नी वीडियो भी दिखाऊंगी ताकि आपको साफ साफ पता चल जाए कि इनमें क्या अंतर होता है। मैं एक बात बता दूं कि बोलचाल की भाषा में लोग फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास बोलते हैं। दरअसल रेलवे की भाषा में इसे 1A, 2A, 3A और 3E कहते हैं। तो मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो रश्मि ट्रैवल ब्लॉग। सबसे पहले आपको फर्स्ट एसी कोच दिखाती हूँ, इसको 1A क्लास भी कहते हैं। फर्स्ट एसी कोच में छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं जिसको कंपार्टमेंट कहते हैं। इस कंपार्टमेंट में दरवाजा होता है और आप दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हो। और कर्टन लगा देने के बाद तो ये बिल्कुल प्राइवेट रूम की तरह हो जाता है। इसमें एक रूम फ्रेशनर भी लगा होता है। दो बर्थ वाले छोटे से कमरे या कंपार्टमेंट को कोक कहते हैं और चार बर्थ वाले कमरे या कंपार्टमेंट को केबिन कहते हैं। आइए आपको कूप दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें दो बर्थ है। अगर आप हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। 5 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता है तो इस कूप में वो भी आपके साथ ट्रैवल कर सकता है। इसमें भी दरवाजा होता है और ये दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और आप ऐसे पर्दा भी लगा सकते हो। इसलिए बोलचाल की भाषा में इसे प्राइवेट रूम भी कहते हैं। ये मैं आपको चार बर्थ वाला केबिन दिखा रही हूँ। इसमें दो बर्थ एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ दो बर्थ होते हैं। मैं ऊपर वाले बर्थ में चढ़ के दिखा रही हूँ कि ये कितना आरामदेह होता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर स्टेयर बना हुआ होता है ऊपर वाले बर्थ में जाने के लिए। हर एक सीट पे एक बर्थ रीडिंग लाइट लगा हुआ होता है। वाटर बोतल रखने के लिए और सामान हैंग करने के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटी है। इमरजेंसी में आप यहाँ पे ट्रेन को रोकने के लिए चैन पुल कर सकते हो। इसमें डस्टबिन भी होता है केबिन में दो और कूप में एक। इसमें खाना खाने के लिए फोल्डिंग टेबल भी होता है केबिन में चार और कूप में दो। आप फोल्डिंग टेबल को ऐसे ओपन करके इसमें खाना खा सकते हो और चाहे तो लैपटॉप में वर्क भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसका कॉरिडोर भी दिखा देती हूँ। सारे केबिन और कूप का दरवाजा कॉरिडोर की तरफ खुलता है। कॉरिडोर में भी विंडोज होते हैं और उसमें कर्टन लगा हुआ होता है। फर्स्ट एसी कोच का मैं थोड़ा सा टॉयलेट भी दिखा देती हूँ। इसमें एक इंडियन टॉयलेट और एक वेस्टर्न टॉयलेट होता है। एक खास बात, फर्स्ट एसी कोच में एक नहाने का कमरा भी होता है। इसमें गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों का फैसिलिटी होता है। इसमें साबुन और शैम्पू सब कुछ होता है। फर्स्ट एसी कोच में आप फ्रेश होके नहा के सीधे मीटिंग या शादियों में जा सकते हो। आप कभी भी टॉयलेट यूज करना चाहते हो तो आप स्टाफ को बोल के पहले से क्लीन करा के फिर जा सकते हो। ये बाहर हैंडवॉश की फैसिलिटी होती है। फर्स्ट एसी कोच में कैमरे भी लगे हुए रहते हैं। कूप और केबिन के अंदर कैमरे नहीं लगे हुए होते हैं, कॉरिडोर में कैमरे लगे हुए होते हैं। और ये रहा सेकंड एसी कोच का कंपार्टमेंट। इसमें दो बर्थ एक तरफ होते हैं और दो बर्थ दूसरी तरफ होते हैं और दो बर्थ सामने होते हैं। कुल मिला के 6 बर्थ होते हैं और इस तरह इसमें 6 बर्थ होते हैं और इसमें कोई डोर नहीं होता है। अब तो इसमें भी कर्टन लग गए हैं।
इसमें भी हर एक सीट के ऊपर एक रीडिंग लाइट लगा हुआ होता है। हर एक बर्थ के लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी होता है। अब मैं आपको थर्ड एसी कोच दिखाती हूँ। थर्ड एसी कोच में तीन बर्थ एक तरफ होते हैं और तीन बर्थ दूसरी तरफ होते हैं और दो बर्थ सामने की तरफ होते हैं और कुल मिला के एक कंपार्टमेंट में आठ बर्थ होता है। इसमें भी रीडिंग लाइट लगे हुए होते हैं और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी। ये सेकेंड एसी की तुलना में थोड़ा कंजस्टेड होता है। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको सेकेंड एसी में ट्रैवल करने की सलाह दूंगी और अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो उससे भी बेहतर फर्स्ट एसी में आपको सजेस्ट करूंगी। उन दोनों की तुलना में थर्ड एसी थोड़ा सा कंजस्टेड होता है क्योंकि थर्ड एसी के एक कंपार्टमेंट में आठ लोग होते हैं। इसमें मिडिल बर्थ भी होता है और अगर कोई मिडिल बर्थ खोल ले तो आप आराम से नीचे बैठ भी नहीं सकते हो। इसका साइड बर्थ फिर भी थोड़ा सा आरामदेह है। इसमें फैन नहीं लगा हुआ होता है क्योंकि ये फुल्ली एसी होता है। अब मैं आपको थर्ड एसी का एक भरा हुआ कंपार्टमेंट दिखा रही हूँ। आइए मैं आपको अब 3E कोच दिखाती हूँ। ये कोच बहुत ही नया है और इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार है। इसमें एरोप्लेन की तरह फर्श पे हरी पट्टी लगी हुई होती है। इसमें हर बर्थ पे रीडिंग लाइट लगा हुआ होता है। ये मैं आपको फोल्डेबल वाटर बोतल होल्डर दिखा रही हूँ। यहाँ पे एसी वेंट लगा हुआ होता है, यहाँ से एसी की हवा आती है। बर्थ रीडिंग लाइट के नीचे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी लगा हुआ होता है। इस कोच के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होता है और एक डिस्प्ले पैनल भी लगा हुआ होता है। ये मैं आपको एक भरा हुआ कंपार्टमेंट दिखा रही हूँ जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि 3E इकोनॉमी क्लास कैसा होता है। इसमें स्लाइडिंग डोर लगा हुआ होता है। इसका हैंड वॉश फैसिलिटी सबसे अलग है। इसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ होता है। पानी के लिए नीचे पैर से बटन को प्रेस करना होता है। बाथरूम में भी पानी के लिए आपको नीचे पैर से बटन को प्रेस करना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक का बटन प्रेस कर दिया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप खुश रहे, आनंद रहे और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ।